औकात, आज पहली बार औकात का पता चला भाई। मतलब औकात कितनी बनानी ज़रूरी होती है, ये हम हर बार तो माँ बाप ने हमें सिखाया था, लेकिन आज पहली बार मतलब लगा कि हाँ औकात कुछ होती है और उसे बनाना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लिप फायर गेमिंग की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में थोड़ी हम अलग प्यार लेवल के और औकात के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या हुआ, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक लड़की से ऑफिस में प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह मैंने बताया, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उस समझ में आ जाएगा। तो कल क्या हुआ कि उस लड़की ने मतलब उसके पास आईफोन है भाई। अब सोच सकते हो, एक मैं सीधा साधा गांव का लड़का देसी, और उसके बाद लड़की बंदी के पास भाई आईफोन, समझ सकते हो बात। और वो लेके आई मेरे पास, आई तो बोली कि ये चार्जिंग में लगा दो। मेरे पास मतलब जैसे कि चार्जिंग वाला जो कैबिन है वो हमारे पास रहता है, उन लोगों के जहाँ वो लोग बैठते हैं वहाँ पे चार्जिंग प्लग लगाने का ये नहीं है, सॉकेट नहीं है। तो मेरे पास लेके आई, कही कि चार्जिंग लगा दे भाई। भाई नहीं बोली, मतलब चार्जिंग लगा दो। तो चार्जिंग जब लिया मैंने, मोबाइल देखा, कहा यार भाई। तो उस दिन मुझे पता लगा कि हाँ भाई, ये बंदे मुझे अपना औकात दिखा रही है, मुझे औकात दिखा रही है मेरी भाई, देख ले तू क्या सोच रहा है, मुझे हल्के में ले रहा है कि मतलब किसी से भी पट जाऊँगी ऐसे कुछ। और भाई वो अपना आईफोन दिखा के गई मुझे, तो मुझे लगा यार सच में अब इसके पीछे जाना ही बेकार है। लेकिन फिर भी यार क्या करें, दिल है मानता ही नहीं है। साला उसको देखे जा रहे हैं, देखते ही रहते हैं बैठते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि कितना इग्नोर करो, जितना हो सके इतना इग्नोर करूँ, लेकिन इग्नोर हो ही नहीं पाता है इतना। मतलब क्या हुआ है समझ में नहीं आता है। जब उसे देखता हूँ ना, फिर सब कुछ भूल जाता है। सुबह जब ऑफिस पर पहुँचता हूँ तो सोचता हूँ भाई आज इग्नोर करूँगा, आज फुल टू इग्नोर, नो उसकी तरफ देखूँगा भी नहीं। और जैसे थोड़ी देर कुछ देर इग्नोर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं करता हूँ, लंच तक लगभग इग्नोर ही करता हूँ 1-1.5 बजे तक। उसके बाद जैसे एक आध बार अगर जो उसने मेरी तरफ देख लिया, नज़र से नज़र मिल गई, फिर बंदा पिघल जाता है। मतलब वहाँ पे मेरा डाउन हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद मैं देखना चालू कर देता हूँ उसकी तरफ, और मतलब बात करती है बोलने पे, मोबाइल में व्हाट्सएप पे बात भी करती है कभी कभी। जिस दिन उसका मन करेगा उस दिन बात करेगी, अगले दिन ब्लॉक कर देगी। जिस दिन मन करेगा कॉल अनब्लॉक करके मुझसे बात करेगी, फिर अगले दिन ब्लॉक कर देगी। मतलब ऐसा उसका सीन चलता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है इसके साथ और क्या नहीं करना है। मतलब अब वो ये बात सच है कि भाई लड़कियाँ पैसे पे ही मरती हैं, और माँ बाप जो कहते हैं कि भाई बेटा पैसे कमा लो, वो सही कहते हैं। अगर जो उनकी बात सुनी होती तब तक मेरे पास भी कुछ पैसे होते, लेकिन आज से मैंने ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे। लेकिन भाई औकात सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है बहनचोद, लड़कियाँ या पूरा दुनिया ना बहनचोद पैसों के पीछे मरता है बहन का लौड़ा साला। मैं उसे देखा ना भाई, क्या बताऊँ, जब उसने मुझे दिखाया ना अपना आईफोन, तो मुझे लगा यार हाँ भाई बस ये औकात की बात है, अगर जो मेरे पास भी कुछ पैसे होते ये बहन की लौड़ी नाचती मेरे पीछे आगे। लेकिन क्या करें भाई, अपना गरीब आदमी देसी लड़का, तो मैं सोचा यार छोड़ो जान दो। अब सोचते हैं कि उसको इग्नोर करें ना करें, लेकिन समझ में नहीं आता प्यार, मतलब दिल से इतना हारे हुए हैं ना कि उसकी तरफ देखे बिना रहा ही नहीं जाता। मतलब हमेशा नज़र चली ही जाती है यार, उसे देखने का मन ही करता रहता है। आज इतना क्यूट लगती है, एक तो साला बिंदी लगा के आती है ना, वो बिंदी मतलब समझ लो क्या बताऊँ मैं, सबसे बड़ी कमजोरी जिसे देखने के बाद ना हर बंदा सख्त लौंडा पिघल जाए यार, बिंदी लगा के आ जाती है। और उस साला पूरा मूड दिमाग का जितना सोचते हैं कि इग्नोर करें उतना बहन जो तैयार होता चला जाता है उससे, तो क्या बताएं। चलो और आगे किसी वीडियो में और कुछ चर्चा करेंगे। अगर जो आपको कुछ पूछना चाहें, कोई सजेशन देना है तो बता देना भाई ज़रूर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।